थ्री। हमारे पीछे जिस पौधे को आप देख रहे हैं इसका नाम है सहजन। ये इतना काम का है जिसका महत्व तो भारतवासी नहीं समझते हैं। मैं यह नहीं कहता कि सभी इसी तरह के हैं, लेकिन सहजन में जो प्रतिरोधक क्षमता है, एंटीऑक्सीडेंट है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैं लगातार इसका प्रयोग करता भी रहता हूँ। यद्यपि सहजन की फली को, उसके फल को लोग खाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसका अचार बनाते हैं और भी मामलों में प्रयोग करते हैं। सहजन के फल का प्रयोग मैं भी करता हूँ, सब्जी में करता हूँ। ऐसे एक प्रयोग ऐसा भी है कि उसको टुकड़े टुकड़े में काट कर उसे उबाल देता हूँ, उबाल करके उसका पानी से पी जाता हूँ और उसको फेंक देता हूँ। अब यह जानिए, नीचे से ऊपर तक यह सब लाभकारी है, औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। इसकी पत्तियों को उबाल करके आप इसका पानी पी जाइए, इसकी पत्तियों का साग बना करके खा जाइए, इसकी छाल को भी आप चर्म रोग से लेकर के उदर विकार में तो इतना फायदा है यार, इतना फायदा है। और कोरोना संक्रमण में भी कुछ लोगों ने इसका लाभ लिया है, मैं भी लाभ लिया। जब कोरोना से मैं जूझ रहा था तो उस समय सहजन का समय था, सहजन के उसके फल को मंगा करके काट काट करके मैं उबालता था, उबाल करके पानी पीता था उसका। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इससे पानी पीने अच्छा तो नहीं लगेगा और दवाएं अच्छी तो नहीं लगेंगी। दवाएं तो कड़वी लगेंगी, लेकिन दवाओं का जो असर होगा वह बताने की आवश्यकता नहीं। जैसे कोविड के इंजेक्शन लगे, बहुत से लोग बीमार पड़ गए, बहुत से लोगों के बाँह में दर्द हुआ, बाँह उठ नहीं रही थी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन उसका जो असर है, कई लोगों को ऐसे सुना गया, देखा गया जो साटिका, गठिया और ऐसे रोगों से ग्रसित थे, जो उठ नहीं पा रहे थे, लेकिन उस इंजेक्शन का यह असर हुआ कि वह लोग उठ करके चलने लगे। कारण यह कि यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला इंजेक्शन है, वैक्सीन है, तो वह अन्य रोगों में भी काम आएगा, केवल इसमें ही काम नहीं आएगा। इसका लाभ उन लोगों को भी मिला है, बहुत से लोगों का ऐसे जिनका हाथ हिल रहा था उनको भी लाभ मिला है। तो दोस्तों, मैं सहजन पर आता हूँ। बारिश हो रही है, बारिश की इन बूंदों को आप देख रहे हैं, इनकी चटाई पर। यह बहुत से देश ऐसे हैं जो सहजन को बहुत पसंद करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में तय हुआ है कि मध्याह्न भोजन में हम सहजन को शामिल करेंगे। और जो बाल विकास सेवा पुष्टाहार यानी आंगनबाड़ी के जो केंद्र चलते हैं उसमें भी सहजन को शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, यह रहा सहजन, और बड़ा काम का है, बशर्ते उतना ही तोड़िए जितना काम। अगर अधिक आप तोड़ेंगे तो इसके साथ ना इंसाफी करेंगे। अभी जब कोरोना संक्रमण चल रहा था तो रामायण सीरियल एक बार फिर से, जो रामानंद सागर जी ने बनाया था, एक बार फिर से कि लोग घर में बैठे हैं, डिप्रेशन के शिकार न हो, इसलिए एक बार सीरियल चला दिया जाए। तो सीरियल चला, उसमें जो मैंने जिस चीज़ का ध्यान दिया ठीक से, उसमें लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई है, हनुमान जी को काज कैसे जगमाही, तो ऐसे कौन सा काम ऐसा है जिसको हनुमान न कर पाए। हनुमान जी जाते हैं और फिर सजीवन बूटी ले आते हैं, पहाड़ आता है, सुग्रीव तेजी से बढ़ते हैं उसको ले आने के लिए तोड़ करके। उस समय वैद्यराज ने उन्हें रोका, कहा सुग्रीव जी, यह बलपूर्वक लड़ाई नहीं लड़नी है, पहाड़ लेकर के युद्ध नहीं करना है, यह वनस्पतियां हैं, वनस्पतियों की एक संहिता है, वनस्पतियों का एक धर्म है, वहाँ आप निवेदन करिए, पहले हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि हम इस कार्य में आपका सदुपयोग करना चाहते हैं, अनुरोध करिए, अनुरोध करके फिर आप मंत्र के साथ उन्हें तोड़िए। मतलब कुल मिला करके उनका दुरुपयोग नहीं करना है, उतना ही जितने की आवश्यकता है। लोग करते क्या है, जैसे नीम है, नीम को, नीम के अगर गुड़ को जाना जाए, उसका जो महत्व है आयुर्वेद में उसको अगर जाना जाए, नीम की पत्ती को ऐसे लोग तोड़ेंगे, मारेंगे ऐसे करके, मेरा कलेजा फट जाता है, सच बता रहा हूँ, मैं कांप जाता हूँ भीतर तक, रोकता भी हूँ। एक दातून के लिए इतना तोड़ेंगे और एक करके फेंक देंगे। दोस्तों, यह कोई बनावट की बात नहीं कर रहा, मैं उसको उठा ले जाता हूँ, बैग में रख लेता हूँ पत्तियों को, फिर पत्तियों को तोड़ के खाता हूँ, दातून को रखता हूँ, आगे भी करता हूँ, दातून नहीं तोड़ता मैं,
मैं पत्तियों को तोड़ करके पांच छह पत्तियां ऐसे करके तोड़ता हूँ, उसे कुपट करके ऐसे 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 कुपट करके और उन्हीं से दातून करके फिर जिभी से जीभ साफ कर लेता हूँ। यह कमल टावरी साहब ने बताया था, जो हमारे अग्रज हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे, 43-44 साल पहले हमारे जिले में डीएम रहे, हक्कड़ जैसे घूमते रहते हैं, वीडियो करोड़ों लोगों ने देखा है उनका। तो इस तरह से वनस्पतियों का जो संहिता है, तो हमें विनम्रता पूर्वक तोड़ना है। अब यह देखना है कि अगर हम कहाँ से तोड़ें, ऐसे अगर इसको तोड़ना है तो हम यहाँ से जितनी आवश्यकता है उतना ही तोड़ेंगे, खींच करके नहीं तोड़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो इसी यही कारण है कि हमने पेड़ों को काट डाला निर्दयता से, हमने वनस्पतियों पर ध्यान नहीं दिया, हमने तोड़ा मरोड़ा निचोड़ा, नेशनल हाईवे बन रहा है, सड़कें बन रही, हरी लगा करके और काटा और सहारा लगा करके हम लोगों ने फांसी लगाया था कि प्रधानमंत्री जी मत करिए ऐसा, नितिन गडकरी साहब राम करिए, लेकिन सुनता कौन है, क्योंकि यह केवल कहते हैं। बहनों भाइयों, हरियाली बचाओ। हरियाली ऐसे बचेगी गाड़ी बाबा? हरियाली ऐसे नहीं बचेगी। हरियाली बचेगी बचाने से बचेगी, तो ये कटवा डाला 40 साल के पेड़ आप कटवा, उसको ट्रांसप्लांट करवाते हैं, ऐसे उठाते और ले जाते हैं। यही सब कारण है, कभी कभी गुस्सा आता है इन लोगों पर, क्योंकि भैया नौटंकी बंद करिए, नौटंकी बहुत हो गई और आप कटवाएंगे, रहम नहीं आ रहा है, न रहम आ रही है न शर्म आ रही है, तनिक भी कटवाया और कटवा करके नाश कर दिया। बड़े बड़े जो 4 लेन 6 लेन बने हैं, सड़कें बन गई, उद्घाटन होगा इतना किलोमीटर और पेड़ नहीं लगे हैं। आप देख लीजिएगा, हमारे कहने पर विश्वास आप नहीं करिएगा, पेड़ लगाओगे तो 20 साल में लगेगा। प्रदेश में मैं बता रहा हूँ, वृक्षारोपण हुआ है एक गांव में, 10 तो दिखा दीजिए, 1,500 पौधे गए हैं, 10 दिखा दीजिए जो जिंदा है, उसको खुरपिया करके ऐसे किया, ऐसे करके पेड़ के साथ सेल्फी लिया, चेहरा बिगाड़ा, सारे पौधे सूख गए, क्योंकि जो प्लान बनाने वाले लोग हैं एसी में बैठे, उनको नहीं पता है कि कैसे पेड़ बचेंगे, कैसे लगाने वालों को सिखाया नहीं गया है कि हम पौधे लगाएंगे तो किस तरह से उन्हें दबाएंगे, दबा करके कि सांस न ले, पानी कहाँ देना है, जड़ पे पानी नहीं देना है, उन्हें इस बात की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। यह भी नहीं बताया गया है कि पेड़ को उसकी सुरक्षा कैसे करते हैं। नर्सरियों में तैयार साल दो साल लगा, किस तरह से उन्हें पानी दिया गया, कैसे बचाया गया, करोड़ों रुपए खर्च हुए और आपने हत्या कर दिया। तो ये दोस्तों आज के दिन इतना ही, और मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण बार करने से कभी कभी बड़ा शोर गुब्बार निकल जाता है, निकलना भी चाहिए। आदमी अच्छा सोच रहा है, अच्छा करना चाह रहा है, राय दे रहा है, उसे आप दुश्मन की तरह देख रहे हैं, राय मानना तो दूर, दुश्मन की तरह उसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो गुस्सा तो आएगा ही। आप अपने अपने गाँव में देखिएगा कितने बच्चे हैं, जिम्मेदार हम ही हैं, जिम्मेदार हम ही हैं, हम अगर ले गए तो हमें उसको लगाना चाहिए, लेकिन हमारे भीतर यह बात नहीं बैठाई गई। कारण ये लोग ऊपर के लोगों को देखते हैं कि जैसे अब जैसे जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं वैसे उनके लोग भी बोलेंगे, वैसे ही दाढ़ी वो लोग भी रखना शुरू करेंगे। एक सांसद जी हैं, उनको भी मैंने देखा, एक पूर्व प्रधानमंत्री जी के लड़के हैं, मैंने देखा है धीरे धीरे दाढ़ी, सपा में थे अब भाजपा में आ गए हैं, तो राज्यसभा सदस्य हैं, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। जिला योजना में कभी हमारे साथ रहते थे रोहन मालिक, परमात्मा जानता है कि क्या क्या है और किस कुबत के आधार पर देश के सिर्फ सदन में जा रहे हैं, भगवान वाले दाढ़ी वह भी बढ़। मतलब मेरे कहने का यह रहा कि राजीव गांधी ने ऐसे साल ऐसे ओढ़ते थे, तो उनके लोग भी ऐसे ही साल ओढ़ने लगे। बलिया वाले प्रधानमंत्री जी जो ऐसे हमारे जैसे, मतलब हमारे जैसे नहीं कहेंगे, युवा तुर्क उनको बोलते थे, तो उनके लोग भी वैसे ही दाढ़ी रखते थे। वर्तमान प्रधानमंत्री जी का भी अनुकरण, बहन जी कहती हैं उत्तर प्रदेश बोलती हैं, प्रदेश नहीं बोलते उत्तर प्रदेश, तो उनके लोग भी उत्तर प्रदेश बोलते हैं। केजरी साहब मफलर लगाए तो उनके, हम भी केजरी वाली पार्टी से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, लेकिन यह नहीं है कि मफलर वैसे ही बांधना है, अरे अपना एक इम्पॉर्टेंस है, ब्रजभूषण दुबे का अपना एक है, तो उस तरह से रहना, हम इसको भी पहन लेंगे। अब इसको जोड़िए कि भैया एक आध लोग कहेगी यह तो लग रहा है कि आप उन किसी के दादा का है क्या यार रंग, तो चलिए किसी के रंग में नहीं रंगना है, अपने रंग को चढ़ाना है और अपने रंगबाज बनना है, रंगबाज, रंगबाज का सकारात्मक अर्थ लेना है, रंगबाज, पर्यावरण के क्षेत्र में रंगबाजी दिखाना है,
भ्रष्टाचार उन्मूलन के क्षेत्र में रनबाजी दिखाना है, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में रनबाजी दिखाना है, देश को उत्कर्ष की तरफ ले जाने के लिए भी रनबाजी दिखाना है। इसलिए देश का एक एक नागरिक रनबाज बने और सोशल लीडर बने, जातिवादी लीडर नहीं, जातिवादी कीड़े नहीं बनना है। ब्रजभूषण दुबे का विनम्रता के साथ नमस्कार।